प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में किराए बढ़ाने के निर्णय का जिला के लोगों ने विरोध किया है। लोगों ने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। लोगों का कहना है कि कोरोना काल में जहां लोगों की नौकरियां छूट गई हैं और धंधे मंदे पड़ गए हैं, वहीं ये बढ़ा हुआ किराया उनकी जेब पर और डाका डालेगा। अगर बसों का किराया बढ़ेगा तो गरीब तबका बसों में सफर नहीं कर पाएगा। लोगों ने सरकार से इस निर्णय को वापस लेकर राहत देने की मांग की है। हमीरपुर के लोगों ने किराया वृद्धि को वापस लेने की मांग की है या 25% के बजाय वृद्धि 10% करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि न्यूनतम और अन्य किराया बढ़ाना सरकार का गलत निर्णय है। जो लोग बसों में सफर करते हैं वे गरीब तबके के हैं, ऐसे में उन्हें पहले ही कोरोना के कारण खाने के लाले पड़े हैं और अब रोजी रोटी कमाने के लिए जाने पर उन्हें दिहाड़ी या मजदूरी से अधिक रुपए देने पड़ेंगे। ये निर्णय सरकार को वापस लेना चाहिए। पहले कोरोना ने पूरे देश को जकड़ रखा है। एक सरकार चाहे हम चाहते हैं कि सरकार इस किराए को वापस ले ले और गरीब लोगों को जो पैसे देने की पैसे ले कमाने में दिक्कत हो रही है उसको नौकरी देने की जरूरत करें। युवक का कहना है कि न्यूनतम किराए में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। अगर निजी ऑपरेटरों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अन्य किराए में बढ़ोतरी करनी ही थी तो वह भी 10-15% ही करनी चाहिए थी। अगर किसी ने 1 किलोमीटर ही जाना हो तो उसे अधिक किराया चुकाना पड़ेगा। सर मानना तो क्या है, एक तो पहले से ही सब लॉकडाउन हो रखा है, ऊपर से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है और ऊपर से सर इन्होंने किराया बढ़ा दिया, तो सर इस पे तो उनको सोचना चाहिए ना कि पहले से ही इतना बेरोजगारी फैल रखी है, लोग सब घर में हैं तो कहाँ से सर किराया बढ़ाएंगे लोग और कहाँ से बेरोजगार आदमी दे पाएगा इतना, हर कोई एक जैसा थोड़ी होता है। तो मांग सर यही करते हैं कि किराया कम किया जाए, जो बढ़ रहा है उसको रोका जाए। लोगों का कहना है कि वे निजी कंपनी में नौकरी करते हैं और रोजाना बसों से आवाजाही करते हैं। अगर किराया बढ़ जाएगा तो नौकरी से मिलने वाले वेतन से खुद के लिए बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 25% वृद्धि से उन्हें माह में करीब 1000 रुपए की चपत लगेगी, क्योंकि वे लगातार बसों में सफर करते हैं। ये तो गलत है, पहले भी किराया बढ़ाया था, इसके बाद फिर किराया बढ़ाया, अब तो वैसे आर्थिक मंदी है, इसमें ऐसा है भी हर एक गरीब आदमी को मार है और किराया बढ़ाना तो गलत है। इसमें किराया जो है नहीं बढ़ना चाहिए और वैसे हर एक आदमी को मार है, वैसे भी हर एक आजकल बड़ी तंगी में है और ठीक नहीं है, माहौल इतना खराब है, इसमें कहना चाहिए। महिला का कहना है कि बस किराए में 5-10% वृद्धि होनी चाहिए थी। जो लोग अधिक यात्रा बसों से करते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। सरकार को निर्णय पर दोबारा विचार करके किराए वृद्धि को वापस लेना चाहिए। सरकार है इतना किराया बढ़ाई था, महंगाई आ गया इतनी, ये ना जो किराया नहीं बढ़ाना चाहिए, घाट करा, अहा गरीब लोग कुतियो जाना, कैसे जाना, जेडे गरीब इं कमाई ना खाने आले ते ना कुती हो जाना, सरकारी लोग तो देंगे किराया, अह लोग कुती ते देना, और इतनी महंगाई करी ते महंगाई बंद करा इतनी।